कोरोना की दूसरी लहर के हाहाकार के बीच देश में ब्लैक फंगस के तेजी से बढ़ते मामलों ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। ये घातक संक्रमण अब देश में तेजी से पैर पसार रहा है। आपको बता दें कि एक्सपर्ट्स की माने कोविड के इलाज के दौरान अधिक मात्रा में स्टेरॉयड दवाओं का इस्तेमाल के कारण ब्लैक फंगस संक्रमण के मामलों में इस तरह की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इस बीच लोगों के मन में ये सवाल आ रहे हैं कि क्या पहली लहर में ब्लैक फंगस के केस नहीं थे? दूसरी लहर के दौरान किन गलतियों से इस तरह की गंभीर समस्या को बढ़ावा दिया है? कोविड संक्रमण से ठीक हो रहे विशेषकर डायबिटीज पेशेंट्स में ब्लैक फंगस के मामले ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। दूसरी लहर में ब्लैक फंगस संक्रमण के कारणों के बारे में बता दें कि एक्सपर्ट्स कहते हैं कि कोरोना की दूसरी लहर में संक्रमण का स्तर और रोग की गंभीरता काफ़ी अधिक रही। ऐसे में रोगियों के इलाज के लिए स्टेरॉयड दवाओं का ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ा। ये दवाएं स्वाभाविक रूप से शुगर के स्तर को बढ़ा देती हैं। इसके अलावा कई तरह की दवाएं इम्यूनिटी को दबा देती हैं, जिसके चलते संक्रमण का खतरा बढ़ता है। बता दें कि एक्सपर्ट्स का कहना है कि कोरोना की दूसरी लहर का असर ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा देखने को मिल रहा है। इन स्थानों पर जब भी लोगों को कोरोना के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं होती, संभावित लक्षण दिखते हैं तो ये दवाइयाँ अलग अलग लेना शुरू करते हैं। एक से फ़ायदा नहीं हुआ तो दूसरे डॉक्टर के पास चले जाते हैं। ऐसे में ना जाने कितनी दवाइयां ले लेते हैं। कोविड हॉस्पिटल पहुंचने से पहले 4-5 डॉक्टर से अलग अलग तरह की दवा ले चुके होते हैं। इसके अलावा ऐसे डॉक्टर्स आमतौर पर एक ही पैटर्न की दवाइयों को प्रयोग में लाते हैं। लिहाजा ये माना जा सकता है कि दूसरी लहर में तमाम तरह की गलत दवाएं और बिना ज़रूरत के भी स्टेरॉयड के सेवन के कारण हमने इस फंगस को खुद पर हावी होने का अवसर दे दिया है।